भक्ति शुरू हुई, भक्ति भी इन्होंने अपनी अलग प्रकार की भक्तियां बनाई कि सुनना, अर्चना, वंदन, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम और नौ प्रकार के ये रूप दिए गए, लेकिन इनमें ध्यान नहीं था। हमें बड़ा दुख हुआ कि ना ध्यान का जिक्र है, न अंदर उतरने का जिक्र है, न गहराई में जाने का जिक्र है, न प्राप्ति का जिक्र है, न समाधि का जिक्र है, न खोज का जिक्र है। ये तो बाहर बाहर घुमा रहे हैं और जो अंदर में उतर गए उन्हें बाहर रस कम आता है। जिन्होंने गहराई में गोता लगा दिया समुद्र में, वो किनारे नहीं बैठेंगे, वो तो गोता लगाएंगे, किनारे क्यों बैठेंगे? उन्हें कोई भय थोड़ा ना होता है डूबने का। तो ये चीजें हुई। आप लोगों ने, महिलाओं ने खासकर सुना होगा कि एक कथा होती है सत्यनारायण की, बहुत प्रचलित है कि सत्यनारायण की कथा सुनो, कष्ट कट जाएंगे और बहुत लाभ होगा। आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ लेना कहीं से भी मंगा करके। ऐसा नहीं मैंने छपवाई है, वो छपी हुई ही है और सब जगह मिलेगी। ये भी नहीं कि हम कोई पुस्तक बेचते हो, नहीं, सब जगह मिलेगी वो पुस्तक, पढ़ लेना क्या लिखा है। पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, नारद जी ने प्रसन्न किए हैं विष्णु जी से कि कष्ट कैसे कटेंगे, दुख कैसे दूर होगा। बाकी जो चार अध्याय हैं उनमें वर्णन क्या है कि उन्होंने चरणामृत नहीं लिया तो उनका जहाज डूब गया, नुकसान हो गया, वो बर्बाद हो गए। उन्होंने कथा सुनी, एकदम से लालाजी अमीर हो गए। इस प्रकार का वर्णन है। मैंने बहुत ढूंढा खोजा कि वह कथा कहाँ है कि जिसके विषय में ये बातें बोली गई, वो कथा कहाँ है। चलो लाभ हानि तो बाद की बात है, लेकिन वो इस पुस्तक से कथा कहाँ गायब हो गई, जिसके बोलने से, जिसके सुनने से। आपने भी बहुत कोशिश की होगी समझने की कि वो कथा मिल जाए, लेकिन कथा नहीं मिली, क्योंकि वो कथा थी ही नहीं, वो है ही नहीं उसमें। ये वर्णन करते हैं कुछ और, लिखते हैं कुछ और, समझाते हैं कुछ और, फंसे हुए लोग हैं। और इतने फंसे हुए लोग हैं, संतों का रूप रख लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, संतों जैसे केश रख लेते हैं, संतों की तरह चलते हैं, संतों की तरह बोलते हैं, कॉपी करते हैं बिल्कुल। मेरे पास भी हैं कई लोग ऐसे, मैं समझाता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कई बार कि भाई कम से कम मेरी कॉपी मत किया करो, कुछ नहीं मिलेगा। जो रास्ता बताता हूँ उसके ऊपर चलो, सब कुछ मिलेगा, कॉपी से कुछ नहीं मिलेगा। खाने से ले करके चलने तक कॉपी से नहीं मिलेगा जी, 1% भी लाभ नहीं होगा। सत्य को स्वीकार करना सीखो, सत्य में जीना सीखो, सत्य में रहना सीखो। जो भूतकाल और भविष्य काल में रहते हैं, आज भी भूत और भविष्य है,
लेकिन जो ये पल चल रहा है वही वर्तमान है। आज भी भविष्य और भूतकाल है, क्योंकि शाम का और सुबह का अलग अलग हो गया, सुबह बीत गया, शाम आने वाला है। जो ये पल है, जो अभी चला हुआ है, जिसमें आप जी रहे हो, जिसमें आप सुन रहे हो, जिसमें आप समझने का प्रयास कर रहे हो, ये चीज़ें बड़ी गहरी हैं। इतना जल्दी से हजम होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत समय से आप लोग समझने और साधना की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चीज़ें नहीं आती, मैं बार बार वर्णन करता रहता हूँ, खोल खोल करके रहस्यों को।